नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल के नाम से जानते हैं। इस स्टॉक 146 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज 9.39% का अप मूव देखने को मिला है। मार्केट कैप है इसकी 60,052 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग है 65%, बुक वैल्यू 138 है, डिविडेंड यील्ड 1.03% एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो कल ही जैसे कि मार्केट में छोटा सा क्रैश आया था एंड उसके साथ ही ये स्टॉक ने 50 DMA को डेथ क्रॉस दिया है। अभी रिकवरी तो मिली है, रिवर्सल मिला है, बट गोल्डन क्रॉस ये नहीं दे पाया है। तो स्टॉक 50 DMA के नीचे 200 DMA से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो की बात करें तो मीडियम से छोटू सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैम पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैम पे मीडियम से नीचे है, तो ये एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है हमारा 48.08 पे है, थोड़ा सा डाइव डाउन किया है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज होती हुई दिखी है। अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, जैसे कि कल हमें गैप डाउन ओपनिंग मिली थी एंड काफी स्टॉक नीचे गया था। लाइव मार्केट में इसका प्राइस बैंड भी बढ़ा दिया गया था। वैसे तो इसका प्राइस बैंड जो है वो है 10% का, आज मार्केट में 15% कर दिया गया था अपर बैंड एंड कल मार्केट में लोअर बैंड 10% से 25% कर दिया गया था एंड कल हमें 20.02% का डाउन मूव इसमें देखने को मिला है। आज रिवर्सल हमें जरूर मिला है, गैप ओपनिंग भी हमें जरूर मिली है, बट रिवर्सल हमें छोटू सा मिला है। छोटू सा क्या मतलब, 9.39% का मिला है, बट कल जितनी गिरावट मिली है उसके कंपेरिजन में तो छोटू सा मूव मिला है। अभी के लिए ये जो इसकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इसको कर लेते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। ये जो इसकी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, ये गलत हमारा पिक हो रहा है, तो ये जो हमारी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है इसको इसने रेजिस्टेंस बनाया है एंड उसी से छोटू सा नीचे इसने क्लोजिंग दी है एंड इसको ब्रेक करने की कोशिश करी बट नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है कि गिरते टाइम तो नहीं देखते बट उठते टाइम सपोर्ट को मेरे को लगता है ये बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं स्टॉक्स एंड रेजिस्टेंस को बड़ा फेस करते हैं, तो ये नाइंसाफी है, हमें इंसाफ चाहिए। एनीवे तो जोक्स अपार्ट, तो अभी के लिए देखे तो इस स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो 145.55 पे दी है, तो अभी के लिए इस स्टॉक को ये रेजिस्टेंस का सामना ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इसको काफी सपोर्ट बना था ये रेजिस्टेंस का एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस को भी रेजिस्टेंस भी मिली है इसकी, तो बेसिकली सपोर्ट था पहले एंड अभी हमें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। वॉल्यूम की बात करें तो कल आया था 114 मिलियन का, मतलब 11.5-12 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम एंड आज आया है 6 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हाफ ऑफ यस्टरडे आया है एंड अगर कल वॉल्यूम अच्छा खासा आ जाता है, क्योंकि सारे स्टॉक में वॉल्यूम आज कम ही आया है, क्योंकि देखिए ये लेट्स फेस द फैक्ट कि ये जो सारा कुछ है ना ये किसी और चीज की वजह से नहीं, ये सिर्फ इलेक्शंस की वजह से हुआ है एंड इलेक्शंस का जो आज समीकरण बैठ रहा था वो ये बैठ रहा था कि एनडीए की सरकार बनेगी नहीं बनेगी क्या होगा, तो अभी होपफुली एनडीए की सरकार बन रही है, पीएम मोदी जी फिर से पीएम बन रहे हैं तो तीसरी बार लगातार, तो इससे ना स्थिरता आएगी सरकार में एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स और एंड व्हाट नॉट, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे बिजनेस को अट्रैक्ट करेगा। तो अभी के लिए देखें तो मुझे लगता है कि जैसे कि ये फुली अनाउंस कर देंगे कि हाँ एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि अभी बातें चल रही है, बातों बातों में है, फुल अनाउंस, फुल लेट फ्लेज अनाउंसमेंट नहीं हुई, जैसे ये हो जाएगी तो मुझे लगता है मार्केट में फिर से तेजी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो अभी के लिए जो हमें टारगेट अचीव करने हैं 10 जून तक, उसको अचीव करने के लिए हमें 36% के मूव की जरूरत है एंड हमारे पास ट्रेडिंग डे सिर्फ 3 बचे हुए हैं, ये कुछ और ही कैलकुलेशन चल रही है मेरी, 3 ट्रेडिंग डेज हैं। तो मुझे लगता है कि इन सारी इलेक्शंस के तामझाम को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि अभी के लिए जो ये किया है टारगेट वो हमने कम किया है एंड 22% का मूव की उम्मीद हम कर रहे हैं एंड वो हम कितना लेके चले हैं टारगेट हम लेके चले हैं 78 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ हमें हो सकता है दिखे 10 जून तक, ठीक है। बाकी मार्केट की न्यूज एंड बाकी सारी चीजों पर बहुत डिपेंड करता है, पर ये बेस्ट केस सिनेरियो मुझे लग रहा है कि हो सकता है इससे बेस्ट, इससे बेटर सिनेरियो भी हो सकता है, पर ये बेस्ट लेके चली हूँ मैं, वो नहीं लेके चली हूँ। तो अभी के लिए देख सकते हैं कि ये तो अभी के लिए है एंड इसका प्राइस बैंड की बात करें तो प्राइस बैंड 10% का ही है, बट लाइव मार्केट में कुछ ऐसे क्राइटेरियाज बनते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लाइव बैंड, लाइव मार्केट में प्राइस बैंड डाउन अपर डाउन लोअर प्राइस बैंड एंड अपर प्राइस बैंड को चेंज कर दिया जाता है। तो कल जैसे कि 25% कर दिया था लोअर प्राइस बैंड, आज 15% कर दिया था एंड मूव हमें, चलो इसने स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी बट मूव हमें छोटा सा ही मिला है।
9.39% का मिला है, 10% के आसपास का, बट प्राइस बैंड यहाँ पे 15% हो गया था। ठीक है, RSI की बात करें तो RSI 41.72 पे है एंड RSI के पास काफी प्लेस है यहाँ पे मूव करने के लिए। एंड अगर बुल रन आता है, जो कि जिसकी की बात हो रही थी कि अगर NDA की सरकार आती है तो 70% तक का बुल रन आ सकता है, एंड 70% का बुल रन की मतलब है कि निफ्टी कहीं 40,000 के आसपास ट्रेड करती हुई दिखेगी, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा बुल रन होगा। एंड काफी स्टॉक्स को गवर्नमेंट के ये फाइनेंस के सेक्टर के PSU स्टॉक्स एंड ये जो एनर्जी सेक्टर के एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के जो स्टॉक है ना, मुझे लगता है इनमें बहुत अच्छा तरीके से बुल रन आने वाला है। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है बिल्कुल भी। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।